शंकर शंकर हरे तेरे कैलाशों का अंत ना तेरे कैलाशों का अंत ना अंत में अंत तेरी माया बोला को भाए ना लट्टू बेले बोला को भाए ना लट्टू बेले नंबर वन कठिन यात्रा कैसे जा रहे हैं देखिए कोई रास्ता नहीं है। दीपक जी वीडियो देख के आना चाहिए कि नहीं आना तो चाहिए लेकिन थोड़ा सा समझ हाँ हाँ जी तुसी वीडियो देख के आए हाँ जी अभी देख रही तो दिल्ली वाले ब्लॉग कर रहे दाढ़ी बट्टे वाले दी उन्हें पूरी वीडियो नहीं पाई हाँ वो जरा की है घोरी वो दी वीडियो ना देखा करो वो देख गलत पांडा पूरी दिखाता नहीं इनफॉरमेशन आ लोग की देखो कितना परेशान हो रहे हैं आ वीडियो देख देख के आ रहे हैं देखो रिक्वेस्ट है सबसे वीडियो देख के ना आना यहाँ रेस्क्यू टीम भी जल्दी रेस्क्यू करने नहीं आती है बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है वीडियो देख के ना आओ ये यूट्यूबर है ना गलत दिखाते हैं वीडियो देख के ना आओ देखिए सुबह सुबह का माहौल और ये हमारे बिट्टू बाजी जिनसे चला नहीं जा रहा अब इनका करके हमें यहाँ पे एक दिन और रुकना पड़ेगा। आ जाओ बिट्टू बाजी आगे दिखा हो रहा चल के ये सारे टेंट और ये नजारा देखिए वहां सामने धूप निकल रही है और बर्फ भी इस पहाड़ पे चढ़ रही है। हमने करवाई रजिस्ट्रेशन पुलिस वालों के साथ अभी यात्रा शुरू होगी आज रात करेंगे कोई और सामने है बादलों की वजह से भी दिख नहीं रहे का खाना है भैया रोटी ये हमारे सारे बंदे बैठे हैं बहुत ही ज़्यादा खाना खाने और ये खिला रहा है नेपाली हीरो हमें खाना आंटी हमारे ही सब दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर रही हैं जो खाना भी बना रही हैं भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माने भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माने भोला ना माने मेरा शंकर ना माने भोला ना माने मेरा शंकर ना माने भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माने हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। तो ये जो लाइटिंग है ना इसके साथ साथ चलते जाना है हमें ऊपर तक तो सफर को शुरू करते हैं। तो हमने कर दिया आगे की यात्रा शुरू ਟਾਈਮ ਬਜੇ ਆ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਰਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਬਸ 0.1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਟੋਰਚ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਟੋਰਚ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ ਭਾਈ
जिस जगह बैठे हैं यहाँ पीछे रेस्क्यू टीम के टेंट हैं, लेकिन वो सो रहे हैं। उन्हें 9 बजे से पहले नहीं उठना है और 9 बजे के बाद वो आकर एक बार यात्रियों को रास्ते में बता देते हैं कि ध्यान से चलो, सब कुछ करो। हाँ, लेकिन वो किसी की भी यात्रा में अगर कुछ हो जाता है तो हेल्प तो करेंगे, लेकिन एक दो घंटे के बाद या शाम को जब वो उनकी ड्यूटी दोबारा शुरू होती है ना, कि देख कर आना कि कोई पीछे रह गया या नहीं रह गया, वो भी उनको उठाकर नहीं लेके आते। उनको बोलते हैं कि हमारे साथ साथ चलते जाइए, हमारा ये बंदा बड़ी मुश्किल में था। तो हमने इसको बीच रास्ते में उनके साथ वापस जाने का बोला तो उसने बताया कि रास्ते में उन्होंने हाथ भी नहीं पकड़ा और मैं खुद ही चल के वापस आया हूँ। वो मुझे रास्ता दिखाते रहे क्योंकि यहाँ भटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप देखिए कि हम जिस पॉइंट पर खड़े हैं, अगर यहाँ से कोई स्लिप किया तो सीधा खाई में नीचे, और खाई में गिरने का मतलब है कि रेस्क्यू टीम भी आपकी हेल्प नहीं करने आएगी क्योंकि इतनी गहरी खाइयों में वो उठाने जाते ही नहीं है। और हमने सारा ये सफ़र भोलेनाथ का नाम लेकर डर के साथ किया है। आप देखिए हम किस पॉइंट पर बैठे हैं, यहाँ से कोई गिरा तो वो सीधा नीचे जाएगा। आप देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है जिससे चढ़कर यात्री ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और बड़ा रिस्की है ये। अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, अगर आपने पहले ट्रैकिंग की हुई है किसी टफ़ जगह की तो ही इस ट्रैकिंग के लिए आप आइए, अदरवाइज़ मैं तो आपको बोलूँगा कि जब तक आप 5-6 ट्रैकिंग्स ना कर लें तो ना आए, क्योंकि आपकी अगर ये फर्स्ट ट्रैकिंग है तो प्लीज़ इस ट्रैकिंग को ना चुनें, ये बहुत ख़तरनाक ट्रैकिंग है। आपको यहाँ आने के बाद बहुत अफसोस होगा कि आपने फर्स्ट ट्रैकिंग कितनी मुश्किल की चुनी। बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है, वीडियो देख के ना, वो ये यूट्यूबर है ना, गलत दिखाते हैं, वीडियो देख के ना। वो रिक्वेस्ट है सबसे, वीडियो देख के ना आना। यहाँ रेस्क्यू टीम भी जल्दी रेस्क्यू करने नहीं आती है। हम खड़े हैं पार्वती कुंड के पॉइंट के पास और यहाँ है बड़े बड़े पत्थर, जो ये देखो कैसे पार कर रहे हैं लड़के हमारे साथ वाले, ये देखो। इसको क्या आ रहा हूँ डॉक्टर, अपने साले इसलिए बोल रहे थे कि चैन बना के चलो, अपनी भाग गए वहाँ गद्दारी, हमसे गद्दारी कर पे। जूम जूम बोल शंकर भगवान की। हाँ जी हाँ जी, को भारत की नंबर 1 कठिन यात्रा कैसे जा रहे हैं देखिए, कोई रास्ता नहीं है।
देखिए श्रीखंड, सॉरी किन्नर क्लास जी, अपने दर्शन दे रहे हैं पीछे सूरज। अभी तक तो बादल छाए थे, नहीं पर इंफॉर्मेशन अच्छी दे रहे हैं, इनको फॉलो करना। ये सामने दर्शन दे तो रहे हैं, यहीं से दर्शन कर लो। गोपी नाम भूल गया, आकाश थक्या इन्ना पे नाम भूली जाता पे, ऋषि गोरी बोला ठंडा और ये है हम थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं। मैं और साजन पीछे, बाकी सारे हमें छोड़कर आगे भाग गए हैं। ये दोस्ती नहीं है इनकी। बस अभी देंगे सामने भोलेनाथ दर्शन। कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब चल सकता, जिन्हें पहले ट्रैक किए हुए ये भाई भी यूट्यूब पे देख के आया था।